हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB PGT कॉमर्स की हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी समाप्त हो गई हैं, तो आप सभी बच्चों ने अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दी होगी। तो बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे PGT कॉमर्स, जो हमारा DSSB में जो अभी वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तभी आप एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपके सभी सिलेबस है जो PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम में हमारा पूछा जाता है। ये टोटल बेटा 39 हमारे चैप्टर्स हैं, तो एक एक चैप्टर से हम फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज से, और इसके जो हमारे PYQ है वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉमर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्स क्या होता है और इसके रिगार्डिंग हम PYQ करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे बात कर पहले करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की। देखिए, ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत कम होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, तो इस पर हम टाइम वेस्ट ना करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको फ्री टाइम में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये हमारे द फर्स्ट 5-ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1951। जो हमारा फर्स्ट 5-ईयर प्लान था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1951 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड एक हमारा जो लिबरलाइजेशन है वो कब आया था, 1991, यानी कि इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ये आपको आगे हम पढ़ेंगे जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है, तो ये कब आया था, 1991 के अंदर आया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा कॉमर्स की, कॉमर्स के रिगार्डिंग हमारा क्या आता है। कॉमर्स में देखिए बेटा, सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें जो बेटा ए टू जेड जो ये लाइनें लिखी होती हैं ना, ये एग्जाम में आई हुई लाइनें हैं, तो आप किसी भी वर्ड को स्किप ना करें, अच्छे से सभी सेंटेंसेस को आपको रीड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा, द टर्म बिजनेस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी से बना है हमारा बिजनेस वर्ड। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। देखिए, ये सभी आप चीज़ें क्लास 11th में पढ़कर आए हैं कि बिजनेस क्या होता है, कि जब भी हम प्रॉफिट मोटिव से कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इसके अंदर क्या हो सकता है, बेसिकली इसमें परचेज आ सकता है, प्रोडक्शन आ सकता है, सेल ऑफ गुड्स आ सकता है, सर्विसेज आ सकती है, कोई भी, जिसका मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस में मोटिव क्या होना चाहिए, इसका हमारा अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। अब बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। ह्यूमन जो एक्टिविटी है बेटा हमारी, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, यानी कि जो हमारी दैनिक जरूरतों को पूरी करने के लिए जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चल गया आपको क्या होती है, जो हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटीमेंट एंड द पेट्रियोटिज्म एटसेट्रा, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली वो हो सकती है जिसमें हम अपना प्रॉफिट अर्न नहीं करते, जैसे कि चैरिटी हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसके अंदर क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करके जब हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं वो हमारा किसके अंदर आ जाता है बेटा, बिजनेस के अंदर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसको आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि आपको बिजनेस की क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन सी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या और ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, उसमें वो आपसे डिटेल नहीं मांगेगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का करती है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस,
प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये सारी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप इनके पॉइंट्स को भी रीड कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क भी बिजनेस का पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक होता है इंडस्ट्री एंड सेकेंड होता है हमारा कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, तो देखिए इंडस्ट्री आर रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच रिलेट टू कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्शन होता है और प्रोसेस ऑफ गुड्स होता है। इंडस्ट्री अब हमारे कितने टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की हमारी इंडस्ट्री होती है। ये बेटा इसलिए मैं इसको स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सभी चीज़ें आपने हमारी क्लास इलेवंथ में अच्छे से कर रखी है। ये क्लास इलेवंथ के बच्चों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड जो भी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रही हैं उस स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, दीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जब हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारी क्या होती है बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। सेकेंडरी क्या होती है, दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, किसके अंदर, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली होती है बेटा हमारी सर्विस इंडस्ट्री होती है। एक्टिविटी एज अ पॉइंट टू हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए इसमें वर्क करती है, ठीक है। अब जो हमारा एग्जाम में पूछे जाने वाले पार्ट है वो है हमारे ये कि इनके सब पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इनमें से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा एग्जाम में प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के हमारे दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या आएगा, इसमें ये क्या आएगा, ठीक है। तो सब आपको बस पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमारे कोल हो जाती है, माइनिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, तो यानी जिनको एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में और प्राइमरी इंडस्ट्री में, ठीक है। एंगेज्ड इन राइजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ फ्रॉम द सोयल, क्लाइमेट, एयर, वाटर और फ्रॉम बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्रोड्यूस एंड सप्लाई बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली द प्रोडक्ट्स ऑफ द सोयल, जो सोयल के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज। इसको एक्सट्रैक्टिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट आ जाता है वर्कर्स मेनली कलेक्ट गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, जैसे कि माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा, हंटिंग एटसेट्रा। एंड द सेकेंड कैटेगरी में गुड्स सेल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल, जिसमें हम एप्लीकेशन ह्यूमन स्किल की मदद से काम करते हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है, कौन सा नहीं है, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। इसको बेटा मैंने कैसे याद किया, इसमें बोला कि एनिमल्स का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम पालकर कोई भी अपना लाइवलीहुड करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा किस में आ जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है। दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट है। अब जो एनिमल्स वगैरह है ये तो हमारा नेचुरल क्लाइमेट के पार्ट है ना, तो एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाता है, जब भी हम कोई चीजों को निकाल कर उसका यूज करते हैं। जेनेटिक में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीव जंतु को हम पाल कर उनसे अपना गुजारा चलाते हैं, ठीक है, लाइवलीहुड्स को अर्न करते हैं। तो रिलेटेड टू रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल्स, ठीक है। जैसे कि नर्सरीज हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, फिश हैचरीज हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, तो ये किसके पार्ट हो जाते हैं, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के हो जाते हैं। द प्लांट्स आर ग्रोन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन सोल्ड ऑन प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाती है। अब बात करते हैं हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्री के भी बेटा दो पार्ट है हमारे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसको हम नाम से ही कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, यानी कि जैसे कि रोड, ब्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसका हमें बेटा एक और दूसरा नाम है इंजीनियर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करना है। बेसिकली आप जहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम कौन करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, तो इसको हम इंजीनियर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर की जाती है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं।
इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो इनके पॉइंट देख लीजिए, एंगेज इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन इरेक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, ब्रिज एटसेट्रा एंड कैनाल्स, यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स एंड वुड एटसेट्रा, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, आगे देखिए, एंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम, हमारा रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड्स को तैयार करते हैं, क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी इन गुड्स बाय मेकिंग देम सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, मोस्ट ऑफ द गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मशीन्स, टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट इज टू अदर इंडस्ट्रीज टू। अब बात यहाँ पे आती है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है इसके भी फर्दर हमारे फोर पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? फोर पार्ट्स होते हैं। उनमें बच्चा अक्सर कन्फ्यूज हो ही जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस टाइप की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके हमारे दो पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसके भी बेटा फर्दर फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। देखिए, प्रोसेसिंग का तो नाम से पता चलता है कि जिसमें कोई भी गुड्स को हम जब तैयार करते हैं उसको एक कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जब जाके एक फिनिश गुड तैयार होता है, तो वो हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एनालिटिकल की क्या होती है। एनालिटिकल का बेटा हमें ना कुछ कीवर्ड रखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से इसका हिंदी वर्ड लिया, विश्लेषण करना, यानी कि विश्लेषण क्या, हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें ये आता है हमारा कि अ प्रोडक्ट इज़ एनालाइज्ड एंड मैनी प्रोडक्ट्स आर रिसीव्ड एज फाइनल गुड्स। हमने देखा किसी चीज़ का विश्लेषण किया, हमने देखा कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसका विश्लेषण किया हमने एक प्रोडक्ट का, उसको लिया, उसका विश्लेषण किया, उसका विश्लेषण देखकर हमने पाया कि हम उस एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्री हमारी क्या कहलाती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाती है। इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल वी गेट केरोसिन, मतलब क्रूड ऑयल से हम कच्चे तेल से हम क्या क्या बना सकते हैं बेटा, केरोसिन बना सकते हैं, पेट्रोल गैस एंड डीजल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने किससे, यानी किसी चीज़ इसका क्रूड ऑयल का हमने विश्लेषण किया, तभी हमें पता चला ना कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। यानी कि एनालिटिकल इंडस्ट्री में वही सारी चीज़ें आती है जिससे कि हम एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी सेकंड इंडस्ट्री कौन सी थी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमें कॉटन का बनाना है तो कॉटन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ग्राइंडिंग, वीविंग एंड डाइंग, प्रोसेसिंग टू बिकम क्लोथ, क्लोथ को बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का आप नाम से पता चल सकता है कि जब हमें किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए हमें वेरियस जो प्रोसेस है उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके हमारे फाइनल गुड्स तैयार होगा। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री की, इसमें क्या होता है बेटा, सिंथेटिक का मतलब होता है सम्मिश्रण करना। सम्मिश्रण में हमारा क्या आ जाता है कि जैसे एनालिटिकल में क्या था कि हमने एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक में क्या हो जाता है कि हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे कि हमें सीमेंट बनानी है, सीमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रॉक, जिप्सीमेंट, कोल आदि को लेकर हम क्या बना सकते हैं, सीमेंट तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सोप मेकिंग हो सकता है, पेंट्स हो सकता है, ये इसके एग्जांपल है सिंथेटिक इंडस्ट्री के। ये पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री आप सभी बच्चे बता सकते हैं, यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है इंडस्ट्री, वो हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे कि टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, क्योंकि ये सभी पार्ट्स अपने पास ही नहीं बनाते, इनके पार्ट्स कहीं कहीं दूसरी दूसरी कंपनी से मंगाते हैं, फिर एक जगह लाकर उनको असेंबल किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट कौन कौन से, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारी थर्ड नंबर की इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है बेसिकली बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रदान करती है, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। ठीक है, जब हम व्यापार करते हैं उसमें हमें क्या करती है, सर्विस प्रदान करती है। कौन सी इंडस्ट्री, हमारी सर्विस इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या आ जा सकता है बेटा, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो सकती है, बैंकिंग की हो सकती है, इंश्योरेंस की होती है, वेयर हाउसिंग की हो सकती है, कम्युनिकेशन की हो सकती है, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग आर पार्ट्स ऑफ द टर्शियरी इंडस्ट्री। अब कॉमर्स में अब आ जाता है हमारा कॉमर्स। ठीक है, हमने इंडस्ट्री पढ़ ली, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों पढ़ ली हमने इंडस्ट्री। ठीक है, बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। अब कॉमर्स के भी दो पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, इसको
तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारा ट्रेड एंड सेकेंड होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड देखिए, ट्रेड क्या होता है हमारा, एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू यूजर्स, यानी कि कॉमर्स हमारा क्या कहलाता है, कॉमर्स के अंदर क्या कहलाता है, कॉमर्स के अंदर आता है कि जब हम एक प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन से लेकर उसको जब हम यूज़र तक पहुंचाते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमर्स बोलते हैं। एनश्योर अ प्रॉपर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इंक्लूड्स इंडस्ट्री टू। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, इसी के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी आती है। ठीक है, एंड कॉमर्स भी इसी के अंदर आता है क्योंकि बिजनेस हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है, बिजनेस के ही तो पार्ट है ना इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू जो अभी हमने देख लिया है। तो ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर्स एंड द बायर्स विद द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, ये बच्चे बच्चे को पता होता है ये चीज़ें। ठीक है, अब ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड में हमारे दो प्रकार की होती है, इंटरनल ट्रेड करते हैं जब हम एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अंदर ट्रेड करते हैं तो वो इंटरनल ट्रेड होता है, जब एक देश की दूसरी सीमा से बाहर हम दूसरे देश से ट्रेड करते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में क्या क्या आता है बेटा, हमारा होलसेल आता है एंड रिटेल सेल ट्रेड आता है। ठीक है, एक्सटर्नल में हमारे तीन आ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड द एंट्रोपोर्ट। अब एंट्रोपोर्ट पे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है कि एग्जाम में कि एंट्रोपोर्ट क्या होता है। देखिए, एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट मतलब कि दूसरे देश से कोई माल हम अपने देश में मंगा रहे तो वो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, वो एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि जब हम अपने देश से माल दूसरे देश में पहुंचाते हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट होता है, जब हम दूसरे देश से माल अपने देश में लेकर आते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। हम बोलते हैं ना कि कोई इंपोर्टेड गुड्स है, ये ऐसे ऐसे वैसे बड़े बड़े शोरूम में जाना, वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये इंपोर्टेड गुड्स है, तो क्योंकि इंपोर्टेड क्यों, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे देश से उसको परचेज किया हुआ है। ठीक है, एंट्रोपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी देश से अपने देश में चीज़ों को मंगाते हैं, अब अपने देश में हमने चीज़ों को मंगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यहाँ पर सेल के पर्पज से मंगा रहे, नहीं, हम इसको अपने देश में अंदर एंटर तो करवाते हैं लेकिन यहीं से हम इसको किसी दूसरे तीसरे देश को बेच देते हैं। ठीक है, यानी कि एक देश से माल खरीदा और दूसरे देश में बेच देना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड ये होते हैं, जब जो हम ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड करते समय जो भी हमें सहायता प्रदान करते हैं, जो भी चीज़ है, वो सारी भी हमारी कहाँ पर आ जाती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जाहिर सी बात है, व्यापार कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आ जाती है। तो आपको इसके नाम याद रखने हैं बस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग इसके अंदर आ जाएगा, फिर आ जाती है हमारी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की। बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया है, बिजनेस को दोबारा बताने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, प्रोफेशन में देखिए, प्रोफेशन में क्या आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है प्रोफेशन भी हमारा, विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जिसके अंदर हमें क्या देखते हैं कि स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। जैसे देखिए, आपने लॉयर को देखा है, उसकी वो अपनी उनकी वो संस्था होती है, वहाँ से वो पढ़कर लिखकर आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई लॉयर नहीं बन जाता, तो उनके क्या होने चाहिए कि एक नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए उनके पास। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज द प्रोफेशनल्स, जो इस प्रोफेशन के साथ अटैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। प्रोफेशनल्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस और कोर्स ऑफ कंडक्ट लीड बाय द प्रोफेशनल्स बॉडीज, यानी कि जहाँ से जो उनकी प्रोफेशनल बॉडीज होती है उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए होते हैं उनको उनको फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, लॉयर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हट सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हो सकती हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो आप सभी को पता होगा, एम्प्लॉयमेंट इज अ बिजनेस एक्टिविटी अंडर विच एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रेंडर्स हिज सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉयर्स इन एक्सचेंज ऑफ रेमुनरेशन, यानी कि रेमुनरेशन के बदले में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा बिजनेस को क्या होता है कि हम अर्निंग प्रॉफिट करें, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। लेकिन आजकल, पहले का टाइम था कि जब हम अर्निंग प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज के टाइम में हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रॉफिट इज एसेंशियल ऑब्जेक्टिव, अब प्रॉफिट हमारा एसेंशियल ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉलोइंग रीजंस, सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की इनकम के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स,
indicates the efficient working of business, can be taken as the society's approval of the unity of business, builds the reputation of the business enterprise. ठीक है, main objective क्या क्या है हमारे किसी भी business के, ये हैं हमारे, देख लीजिए, earning profit, marketing, standing, innovation, productivity, physical and the financial resources, management and the performance and development, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इनको हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मोटा मोटा एग्जाम में पूछा जाता है, इतने डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस रिस्क की. बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क के अंदर बेटा दोनों ही चीज़ें आती है, हमारा प्रॉफिट भी आता है एंड लॉस भी आता है. किसकी वजह से आ सकता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से या अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता उसे आपको लाभ भी हो सकता है, उससे आपको हानि भी हो सकती है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं. बिजनेस रिस्क कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्पेकुलेटिव एंड प्योर. दो प्रकार के हमारे बिजनेस रिस्क होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क. इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. जो हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क होता है ना, इसके अंदर हमारा क्या आ सकता है बेटे? इसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. तो स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज़ ड्यू टू चेंजेस इन मार्केटिंग कंडीशन. ये स्पेकुलेटिव कब आता है? मार्केटिंग कंडीशन की वजह से आ सकता है, इंक्लूडिंग फ्लैक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइसेस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स. तो इसमें आप इनको पता ही चल गया होगा, आपको इनसे पढ़ के, किससे प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी फर्म को लॉस भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्योर रिस्क की, तो प्योर रिस्क जो होता है इसके अंदर बेटा ओनली लॉस ही होता है. जैसे कि द चांस ऑफ फायर हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है, स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉयज़ ने, तो ये किसके उदाहरण है? हमारे प्योर रिस्क के उदाहरण है. तो बिजनेस रिस्क हमारा दो टाइप्स का होता है, स्पेकुलेटिव एंड द प्योर. स्पेकुलेटिव में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क के अंदर हमें ओनली लॉस ही होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज की वजह से हो सकता है. रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द रिस्क टेकिंग. कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, अदर कॉजेज हो सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना. ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसाइडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या बेसिक फैक्टर्स देखते हैं? देखिए, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द फॉर्म, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, फाइनेंशिंग द प्रोपोजिशन, फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट, कंपोनेंट एंड द कमिटेड वर्क फोर्स, टैक्स प्लानिंग, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. देखिए, मैं इनको सभी आपको हेडिंग बता रही हूँ. यदि आपको इनमें से किसी की हेडिंग का मीनिंग नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में इसको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, लेकिन हमें इतना डीपली पढ़ेंगे तो बेटा हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें हेडिंग क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता है, हम 11, 12 में इन सभी चीज़ों को पढ़कर आए हैं. तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे PYQs की तरफ. PYQs देखेंगे हमारे. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ मेनली कितने होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस में हमारे आ जाता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आ सकता है. अब इंडस्ट्री भी बेटा हमारी तीन पार्ट्स की होती है. फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. प्राइमरी टू टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द जेनेटिक इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. कौन कौन सी होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है. कौन कौन सी? हमारी एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड द असेंबलिंग इंडस्ट्री. ठीक है, उसके बाद हमारा हमने किया था कॉमर्स. कॉमर्स में हमारा था ट्रेड आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है. ठीक है, ट्रेड हमारे दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है. इंटरनल में हमारे होलसेल एंड रिटेल ट्रेड आते हैं, एक्सटर्नल में हमारा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रोपोर्ट आता है. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, हमारा एडवर्टाइजिंग इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, बिजनेस रिस्क हमने देख लिया. बिजनेस रिस्क किसकी वजह से होता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से या फिर अनसर्टेनिटी की वजह से हमें बिजनेस रिस्क होता है. ठीक है, बिजनेस रिस्क दो टाइप्स का होता है, स्पेकुलेटिव होता है ना, प्योर होता है. स्पेकुलेटिव में हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हो सकता है, लेकिन प्योर में हमें सिर्फ क्या होता है? लॉस ही होता है. ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क हमने देख लिया, एंड द बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस. अब हम करते हैं इसके कुछ MCQ.
तो चलिए देखते हैं अब तक आपको क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ये सभी पीवाईक्यू हैं, देख लीजिए डीएसएसवी में आया हुआ है, ये पीजीटी में, ये क्वेश्चन भी डीएसएसवी पीजीटी में आए हैं। जो हम क्वेश्चन करेंगे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो केवीएस हो या फिर एचटेट का एग्जाम हो आपका, ठीक है, ये सभी उसमें आए होंगे ये क्वेश्चन, तो उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक ज़रूरी बात बेटा, यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टाइमिंग भी प्लीज़ आप उसके साथ बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में क्या है ना, इंटरेक्शन बना रहता है, उससे आप क्वेश्चन के जो आंसर देंगे आप साथ साथ अपनी क्वेरी भी आप साथ साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं उसके साथ में जो हमें मदद करते हैं जो साधन, तो देखिए ट्रांसपोर्ट भी करता है, वेयर हाउसिंग भी करता है, लेकिन इंश्योरेंस भी करता है, लेकिन माइनिंग नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन, बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने देखा था, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत में नहीं है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या इंक्लूड नहीं है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, तो बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, टर्सरी में नहीं आता, तो इसमें नोट पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री आल्सो नोन एज, एग्जॉस्टिव जो इंडस्ट्री है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बेटा उसी का दूसरा नाम है हमारा एग्जॉस्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज आर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है हमारा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन या पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जल्दी बताएं सेकेंडरी सेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फॉरेस्ट्री आता है, ट्रांसपोर्ट आता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारा किस में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है, पेंटिंग फॉर सेल्फ यूज़। अब यहीं पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस भी हम पढ़ेंगे। सेल्फ यूज़ के लिए हमने किया है, यहाँ पर हमने कोई भी अर्निंग की है नहीं की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये भी है हमारी। रनिंग एन एकेडमिक स्कूल, पेंटिंग फॉर कमर्शियल यूज़। पेंटिंग फॉर कमर्शियल यूज़ हमारा ये बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है, बिजनेस, सर्विस, चैरिटी, प्रोफेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी। करेक्टरसाइज बिजनेस एक्टिविटीज को करेक्टरसाइज नहीं करता। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी करता है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क भी हमारा बिजनेस के अंदर होता है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी होता है। सैलरी और वेजेस इसके अंदर हमारा नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से क्या बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भाई, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट नहीं, माइनिंग और हमारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए क्या किया है कि वेरियस इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमने एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट तैयार किया है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, अभी हम पढ़ के आए हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा, कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में आता है, नहीं भाई एक्सट्रैक्टिव में नहीं आता, ये हमारा किस में आता है, देखो ये है तो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट। प्राइमरी इंडस्ट्री भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड थी, एक्सट्रैक्टिव एंड दूसरी का नाम क्या था, आप जल्दी बताइए, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये हम किस में करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। ये आगे के क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्वेश्चन है ये, हम जब हम इसका चैप्टर कर लेंगे कवर, उसके बाद इन क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना ईजी था, हमने पहले टॉपिक को कवर किया, टॉपिक को कवर करने के बाद हमने एमसीक्यू लगा। यदि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट के साथ हम पी वाई क्यू करते चलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।